हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अब हम आज संडे है और हम जा रहे हैं भाई किया सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव लेने। चल रहा है क्या? गाड़ी वाला आ चुका है सीपी से, 2 घंटे लग गए भाई उसको, पता नहीं क्यों। चल रहा है क्या यार? भाई वेट कर रहा है यार कोई। अबे बाद में चढ़ा लियो भाई, क्या हो गया? बाद में चढ़ा लियो, एक मिनट। तो और इसे खोलना भी है, इसको बड़ी स्मूथ है और आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसको मत खोलो, धूप आ रही है, इसको बस ये बंद कर दो। तो भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़िया है पूरा, यहाँ पे डिजिटल मिल जाता है, ठीक है। मैं टॉप स्पीड इनकी 220 है, इन ये वो दे रखे हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पैडल चैप्टर। और भाई बता दो भाई, पकड़ के एक बार ट्राई कर दो भाई। इनके स्पीकर किया स्टैंडर्ड स्पीकर है, लेकिन वो भी काफ़ी सही है, कर वॉल्यूम बड़ा अच्छा। ये तो लाइन बंद कर दे, कॉपी राइट हो जाएगा। इसकी प्राइस पड़ती है 19 लाख की, लेकिन ये हमें मिड वेरिएंट मिला है तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। और टॉप वेरिएंट में इससे डिफरेंट ये कि ADAS है, 360 व्यू है। ADAS तो चलो इतना सक्सेस है नहीं इंडिया में, ये लोग कह रहे हैं। और 360 ADAS में क्या होता भी अगर अभी कहते ऑटो पायलट ये बंद कर यार। नहीं, अगर मैंने रेंज दे रखी है, एक्सीलरेटर दे रखा है, ठीक है, तो अगर सामने बंदा आ गया तो फिर क्या वो होगा? रुक जाती है, रुक जाएगा। एक्सीलरेटर दिया हुआ तो भी कर रहे हैं उस वाले में क्या होता है, जैसे बंदे एकदम सामने से आ गया, जैसे कोई बंदा आया, ठीक है, और आपकी स्पीड स्टार्ट है, 40-50 स्पीड है, आपने एकदम से रेस पे हटा लिया आपने। नहीं, अगर मैं रात को ऐसे चला रहा हूँ 100 की स्पीड पे, ठीक है, अगर आपको रेस पे है तो फिर आपको सर रेस पे रहेगा, फिर बंदा टूट जाएगा। अबे वो ऑटो पायलट है ना भाई, तू फिर मैनुअल ओवरराइड कर देगा अगर तेरा रेस पे बैठ रहा है। हां हां, वो ओवरराइड कर देगा उसको, ओवरराइड कर देगा ना भाई, वही तो क्रूज वाला ही तो है। अच्छा, वो तेरे को बस कुछ नहीं करना है, तेरे को स्टीयरिंग में नहीं चलना, ड्रंक ड्राइविंग में बंदा नहीं पकड़ा जा सकता। हाँ वैसे ये बात क्या है कि अगर ADAS चला रहा है तो फिर तो गाड़ी अपने आप ही चला रही है, तो तुम चला ही नहीं रहे तो ड्रंक ड्राइविंग का नहीं लगता उसमें, फिर भी आपको ही चलाना पड़ता है। चिल्ड्रन क्रॉसिंग हेड, इसको कैसे पता चला? वो निकल के गए थे ना करने के बाद बता रहा। अच्छा भाई, तो क्या कहते हैं इसमें वेटिंग कितनी है? डिपेंड करता है आपको कौन सा मॉडल चाहिए सर, कौन सा गाड़ी लोड है वो बुकिंग के ऊपर मैटर करता है, आपको गाड़ी कब तक चाहिए। अब मेरे को जैसे धनतेरस पे चाहिए तो अभी बुकिंग कराएंगे तब जाके मिल पाएगी सर। कितनी है वेटिंग ये तो बताओ। वेटिंग सर मॉडल टू मॉडल है, इसका टॉप एंड में तो 6 महीने और 9 महीने की भी जाती है, और बाकी इस वाले को 3 महीने में हो जाएगी। अरे सर ये नहीं खुलता क्या, कैसे खुलता है ये? हेलो, कहा मैं तो अभी इधर आया भाई। वैसे आपको सीपी से आने में 2 घंटे क्यों लगे? वहाँ पे ये भी मोबाइल है, यहाँ पे जाम लग गया था, हमने तो ऐसी मोबाइल में नोट करी थी। भाई वैसे तो बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बढ़िया है क्या, वैसे गाड़ी तो बढ़िया है पर तो पैसे लगाने पड़ेंगे थोड़े। YouTube मनी सही ऑब्वियसली भाई, पर क्या कहते हैं, अरे कलर में कौन सा ये मैट ब्लैक में एक्स्ट्रा कलर एक बार कमेंट कर देना। मैट वाला जो आता है वो एक्सलेंट टॉप एंड मॉडल आता है उसमें आता है, बाकी सारे जो आप मॉडल देख रहे हैं ऑटोमेटिक उसमें आपका व्हाइट सिल्वर ग्रे ब्लू ब्लैक रेड और ग्रीन ब्लैक आता है ना, जेट ब्लैक आता है ना। हां मेटालिक तो वही है, तो ठीक है। अच्छा क्रूज भी है क्या इसमें? क्रूज टेस्ट कर लूं एक बार, स्पोर्ट्स टेस्ट कर ले एक बार, मैं तो कह रहा हूं वो ट्राई कर पाएंगे कुछ कंट्रोल आप 40 के ऊपर स्पीड रखनी पड़ती है अपना। 40 के ऊपर तो रखनी पड़ती है, फिर कहां से दबाना है ये? भाई स्पोर्ट्स मोड की जगह नहीं है यार यहाँ पे, अभी एक सेकंड के लिए यहीं पे कर दे। कहाँ है स्पोर्ट्स मोड? ऐसे ऐसे सर्कल है उससे होगा, नहीं नहीं तो मैं वो दबाइए ना बेटा।
चाहिए, वो नीचे ऊपर लिखा रहा है, एक और बार दबाइए उसे। अब उसे अच्छा उसको दबा के फिर उसको घुमा दीजिए, घुमाना है आगे देखो स्पोर्ट्स मोड कैसा है। इतने से मैं कर लेते हैं लेकिन खैर वो तो उसमें से पूरी गाड़ी उड़ जाती है, लेकिन खैर वो तो इलेक्ट्रिक है, लगा है पेट्रोल है भाई। वही है कि इसमें वो ट्रांसमिशन में ना मजा ऐसा नहीं आ रहा, जैसे इलेक्ट्रिक की ट्रांसमिशन की मेरे को वो है आदत, तो भाई उसमें गियर वियर चेंज नहीं, कोई झटका नहीं पड़ता। नहीं वैसे इसमें झटके कम है, जैसे मैंने शौरी की क्रेटा चलाई थी, स्मूथ स्मूथ है, क्रेटा चलाई थी उसमें बहुत वो झटके है, पर इसमें झटके कम है, अच्छा ट्रांसमिशन दिया। अभी इसमें ओला भी है भाई, फास्ट चार्जिंग वाला सिस्टम भाई, तो इसकी चाबी से भाई, इसकी चाबी से वो कर सकते हैं गाड़ी स्टार्ट। मतलब गर्मी में अगर करना है कि अंदर आते ही आता ना गर्मी का, जैसे भाई कॉलेज से तो पहले से ही कर सकते हो, दो मिनट के लिए ही चला दो फिर ठंडा हो जाएगा तुम्हारे लिए। पैडल शिफ्टर बढ़िया लगे, रेड करवा लूंगा। तो क्या एक महीने की वेटिंग है, कितने महीने की? तीन महीने की जो आपको चाहिए वो मैं अब तक तब तक अवेलेबल करा दूंगा, अगर अभी बुकिंग करके चलेंगे तो। अच्छा वैसे जैसे टॉप वेरिएंट और मिड वेरिएंट के बीच में कोई वेरिएंट है जिसमें 360 व्यू मिल जाए, लेकिन वो ADAS नहीं, ADAS नहीं चाहिए, ADAS का तो फायदा ही नहीं है। ADAS दोनों बाय डिफॉल्ट ही आएंगे साथ, तो साथ में ही आते हैं वो। इसमें चार ही है। और तीसरी का चीज वेंटिलेटेड सीट्स का क्या है फिर? वो भी उसी में है, तो इसमें नहीं डल सकती? क्या कहते हैं, कौन कर रहा है आवाज? ये भैया कर रहे हैं पीछे से। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि, अरे मैं क्या कह रहा था, हाँ इसमें कितने गियर है टोटल? सिक्स। और वो मिलता है या साइड में जो शेड होता है जो ऐसे लगाने वाला? कर्टेंस रियर में मिलते हैं, पीछे में आगे तो अलाउड ही नहीं होता इसीलिए। किसके लिए? आगे अलाउड नहीं होता भाई ये शेड लगाना। अच्छा एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे भाई, बंद कर दियो इसको, बंद करो, ओटीपी आएगा इस नंबर पे। चलो वही दो मिनट का ब्रेक। वही क्रेटा की टक्कर की मजा आ गया भाई ये देख के, तो मेरे तो बस ये चाहिए, वरना तो भाई अच्छी है ये, बढ़िया है स्मूथ। क्या आप चला के देखना चाहेंगे? आपके लाइसेंस नहीं है? चुप भाई, मेरे को इसका डिस्प्ले, ऐसा वाला डिस्प्ले बड़ा सही लगता है यार, डिजिटल डिस्प्ले ना फुल इसका भाई, इसका तो लेनी बनती है क्या होता है इसमें? तो मतलब जहाँ सिग्नल लेंगे वहाँ भी काम करेगी? मतलब इसमें सिग्नल आते हैं, इसमें इनबिल्ट है। हाँ मतलब मैं कह रहा था मोबाइल के सिग्नल नहीं आते वहाँ, ये दबाना पड़ेगा। मतलब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और क्रेटा की ग्राउंड क्लियरेंस में क्या डिफरेंस है? इसकी 90 की कम है। मेजरमेंट क्या होती है ग्राउंड क्लियरेंस की? mm। और ये तीसरा वाला कस्टमर केयर कॉल लगता है अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए। ये सही है, बहुत एडवांस हो गया भाई ये लोग तो, टॉप मॉडल भाई। सेफ्टी का क्या हुआ?
तो काफी होती है भैया, सभी कस्टमर ने उसको पूछा, उसके अलावा दूसरी वीडियो कभी किसी ने नहीं देखी। एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है भाई। मैंने एक गाड़ी देखी थी जब मैं रॉयल स्वेल, उसकी तो अच्छी सेफ्टी खत्म हो गई। अरे मैं स्वेल खराब हो जाएगी बोल देंगे आपके। मैं एक बार उसमें गया था, क्या कहते हैं, लेकिन वो है ना, क्या नाम उसका, वोल्वो। मैं एक बार, अरे मैं उसमें गया था एक बार, क्या कहते हैं, कौन कैसे ड्राइव कर रहा है हाईवे में, एकदम ऐसे ऐसे इसकी बॉडी फटी हुई थी जैसे पेपर हो, तो वो चेंज करें, इसलिए हम किया लेने में वो कर रहे, पहले हम क्रेटा ले रहे थे, फिर अब किया पे आ गए। कंसर्न कंपनी है दोनों, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्रेटा की इससे ज्यादा है, सेम है दोनों की रेटिंग, सेम है। क्वालिटी बिल्ड जो अब नई बनाई गई है इसकी बेटर करी गई है उस। मेरे को लगता है कि क्रेटा ज्यादा स्टीयरिंग भी बढ़िया भाई, देख लो यहाँ पे, अगर आप जीटी लोगे तो जीटी लिखा है यहाँ पे, और स्टिचर सारे रेड हो जाते हैं जो भी स्टिचर है। जीटी जीटी वो है सबसे टॉप मॉडल इसकी। तो गाइस इसका बूट स्पेस भी बहुत है, कितना आता है भैया इसमें, एक आदमी तो आ जाएगा। 400 लीटर का बूट स्पेस आ रहा है। और फिर वो है क्या, अपने आप खुलने वाला नहीं क्या, डिफोगर वाइपर शाफ्ट, ये भी बढ़िया दे रखा है, चेंज करा ना, ये भी चेंज करा ना, फ्रंट बढ़िया कर दिया, पूरा चलता है ना ये, बहुत बढ़िया, दिखा दो एक बार चला के। जल गई अच्छा डिजाइन बढ़िया बनाया है, अब इसको बुक कर रहे हैं, सारी पेपर वेपर फॉर्मेलिटीज वगैरह करके। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई देख के, क्या कहते हैं, डन कर देगा, डन है, जो भी मनी कार तो पिन तो उड़ाना पड़ेगा, इतने पैसे हो रहे हैं लेकिन नहीं हो रही घर पे। तो गाइस अब हम अपनी गाड़ी में वापस आ चुके हैं, क्योंकि ये अपने अपने मतलब वो क्या कहते हैं टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी में अपना एयरपोर्ट भूल गया था, मदरचोद है ना बड़ा, बहन के मैं लैपटॉप मारूंगा हंसेगा तो ले लेगा, अरे बहन चोद। तो भाई मैं कह रहा था ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है, तगड़ी, अगर क्या कहते हैं पेट्रोल में लेते हो टॉप मॉडल तो आता है 24-24.5 लाख का ऑन रोड, और डीजल में आता है 24 लाख का, और मिड वेरिएंट से बैठे तो 18-19 लाख की है भाई, सही है वो, वो भी सही है। मिड वेरिएंट में डिफरेंस क्या है, वेंटिलेटेड सीट, 360 व्यू और वो ADAS का कोई मतलब है नहीं, चाहिए नहीं ADAS, चूतिया सिस्टम है, हम बस में ट्रैवल कर लेते थे अगर हमें नहीं चलानी होती गाड़ी, है ना भाई। उसमें क्या है ADAS का बताता हूं तुम्हें क्या होता है, कि अगर गाड़ी में रेस नहीं दे रखी है 40-50 की स्पीड में है तभी गाड़ी अपने आप रुकेगी, अगर कोई आगे आ जाए, बहन चोद मैं नशे में रात को चला रहा हूँ 100 की स्पीड में और कोई सामने ट्रक आ जाए तब तो रुकेगी नहीं, तो फायदा क्या भाई ADAS का, ADAS उसी के लिए तो चाहिए भाई, भाई वो तो सिटी में तो मेरे को दिख ही जाएगा भाई कि सामने कोई है नहीं, ADAS भाई, ADAS मतलब ऑटो पायलट, टू डेस्टिनेशन डाल देगा बस फिर वहां जो पहुंचेगा इधर को साथ। तो भाई वो टॉप मॉडल हम लेने वाले थे पर वो चूतिया फीचर है इसलिए फालतू में पैसे देके फायदा नहीं है, सीट्स का था थोड़ा, वेंटिलेटेड सीट्स ले लेंगे भाई, गांड में हवा आ जाएगी बढ़िया, ओके है भाई, गर्मी के दिन में ठंडी हवा, हां ये गांड में बढ़ेगी। तो भाई वैसे प्राइसिंग क्या बढ़ती है डीजल की, डीजल की नहीं 20 लाख तक की है, ठीक है ऑन रोड, सब्सक्राइब ठोक दो, व्यूज ठोक दो, ताकि डीजल और मैनुअल लेंगे भाई, ऑटोमेटिक में मजा सा नहीं आया, मतलब क्या है कि अब ये जो है ये ऑटोमेटिक बढ़िया है पर भाई गियर में मजा नहीं आता भाई, फिर भी ट्रांजिशन तो हो रही है, गियर लेंगे तो क्या पता कुछ बढ़िया, ऑटोमेटिक ले, ऑटोमेटिक नहीं ले रहे, नहीं ले गियर लेंगे, या पापा तो कह रहे ऑटोमेटिक लेने के लिए, पर देखते हैं भाई, भाई ऑटोमेटिक सही है, मतलब ऑटोमेटिक में गियर वो आ ही जाता है ना, क्या है पेंट शिफ्टर तो है, पेंट शिफ्टर तगड़े है भाई, उनको रेड करा लूंगा और बड़े बड़े ऐसे ऐसे दबाता रहूंगा, ठीक है भाई बस यही है, अब घर जा रहे हैं, इसके कांड सुलटाते सुलटाते मेरी आधी जिंदगी निकल जाएगी,
खाने का लोड़ा पता नहीं 19 साल का मादर चौथ सुअर हो रहा है, पर भाई इसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है भाई, अब शाम में मिलते हैं, अब रेस्ट रुस्ट करेंगे, खाना पूरा खाएंगे बढ़िया। भाई देख ले क्या देख लो भाई, इतनी पास से निकाल रहा है भाई, क्या पागल है क्या? नहीं इसे गाड़ी चलानी आती, लाइसेंस तो है नहीं, लाइसेंस पता नहीं क्यों मिला, पैसे देकर लाइसेंस बनवाया। इसे चल, अरे लिमिट में हो रहे, चल ठीक है भाई, बढ़िया लिमिट में भाई। अगर देखो मैंने इसको वो दिया था, फोन दिया था कि बना लियो, इसने सिर्फ डैशबोर्ड की तरफ भाई वो स्किप मत करना, उसकी बातें सुनना पीछे जाके, बढ़िया बढ़िया बातें हैं, मतलब गाड़ी के बारे में डिटेल्स हैं, क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है। ठीक है तो अब शाम में मिलते हैं जिम के टाइम। भाई ये देखो चला लेगा, मैन के लोड़े आगे आ जाओ, आप दिखाएंगे आशिकी प्रो मैक्स बंदा भाई, कोई भाई ये देखो भाई, देखो चंचल बाबू बाद में बात करता हूँ। अब तो वीडियो बन गई, बैठ चुप, कोई घरवार नहीं है, कुछ नहीं है, रोड पे बैठ गया, बंदी से बाबू से बात कर लेता हूँ, बाबू बदमाश। अब यहाँ से नहीं ले सकते हम, क्योंकि हम एक बार ले चुके हैं और वो दूसरी बार में वीडियो आया देख रहा था, उसका तो बाइक लगा लेगा पीछे हमारे, वो लोड़ा लगा देगा, उसका निष्कर्ष आएगा नहीं। भाई तगड़ा यार ये बहनचोद, लग गई यहाँ पे, लग गई रोड के बीच में भाई, भाई गर्मी बाइक में, गर्मी में पैर ही ला रहे बैठ, गर्मी भी नहीं हो रही, ह्यूमिडिटी हो रही है यहाँ पे, चिपचिपाहट, कल बारिश हो गई थी गाइस और आज धूप आ गई तो बहुत गंदी चिपचिपी सी हो रही है, बाबू की आवाज सुनने को मिल रहा है तो फील नहीं होता, गर्मी लग रही है। चलो मैं फोन से फूंक मार रही हूँ। आलू की सब्जी और पूड़ी होती है, हम डाउन टू अर्थ हैं तो खा लेते हैं, खा लेते थे एक हमारे भैया थे उनके साथ, तो भाई ऐसे अपना तो नूही है भाई, नूही करे भंडारे का खाए और फिर रेस्टोरेंट में भी खाए, हर जगह खाए भाई। भाई मतलब हम ऐसे हैं कि भाई हम एंजल एक रात में 400,000 भी फूक सकते हैं और हम 400 रुपए में चीप थ्रिल्स भी कर सकते हैं, और क्या भाई, चीप थ्रिल्स सस्ती मस्ती, बेबी आई डोंट नीड डॉलर बिल्स टू हैव फन टुनाइट, भाई ठुल्ले मुल्ले खड़े हैं, पर हमको क्या, अपना तो नहीं है भाई सिस्टम है, कुछ ना करे भाई, अपने मन में बोल ले, स्क्रीन गार्ड की हालत इतनी वो हो गई है, खस्ती हो गई है भाई, अब जब मेरे को फोन चेंज करना ही है तो मैं क्यों करूँ चेंज, स्क्रीन गार्ड भी ये बात है, 150 रुपए का आता है, मतलब इतना है तो एक वीडियो उसमें दे दो, दे देते हो ना यूट्यूब मनी। हम क्या कह रहे थे, हमने सुबह कर दी थी सेल्टोस की रिव्यू और गाड़ी तो एक नंबर की है, अब भाई डिसाइड कर रहे हैं कि हैरियर ले, अब पापा ने आके डिलेमा में डाल दिया, हमने बोला कि तुम हैरियर देख लेते, ऑप्शन दे दिया भाई, बजट बढ़ा दिया पापा ने, हैरियर में कहते कि नहीं यार हैरियर में भाई पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, 20 लाख के ऊपर जो भी लेगा वो मैं देखूंगा ऐसे कह रहे, और कहता है वो भी मतलब थोड़ी उससे है 5-10 लाख ऊपर है कहता, तो मैंने चेक करा उसी समय भाई आया कि डीजल के उसमें ज्यादा नहीं है डिफरेंस और पैनोरामिक सनरूफ भी है, टॉप मॉडल तो हम लेते ही हैं, तो इतना गेड़ा डार्क मोड लेके, डार्क एडिशन जो डार्क है अगर रेड है, इसमें लग रहा है हैशटैग डार्क, रेड डार्क लगा दे अपने सीट के पीछे, अपने सीट के पीछे इसमें आपको डार्क लिखा हुआ है, इसके 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं गाइस, अबे डार्क रेड लेंगे हम 60,000 एक्स्ट्रा देंगे, अरे बैठ के लोड़े बंद कैसे कर रहा है, क्योंकि डार्क रेड में क्या है इंटीरियर जो है ना डार्क और ये सीड रेड, जैसे ये इंटीरियर मतलब ट्यूनिंग करूंगा कपड़ों के साथ, गाड़ी की ट्यूनिंग करूंगा इतना गेड़ा। ठीक है भाई अब जिम जा रहे हैं, और कुछ नहीं है कुछ नहीं है, जिम जा रहे हैं अब तो देखते हैं, अगर हमारी स्पेशल गेस्ट आती है आज ना, नो आए अबे 7 बजे लंड आएगी,
तो ठीक है, वरना देखते हैं अगर कोई अरमान गेस्ट तो ऐसे कह रहा है, अरमान शौकीन है बुला रहा है आज का फिटिंग बहुत साथ में करने के लिए, चलो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है हमारे साथ करने के लिए, तो इसलिए है ना, क्योंकि हम वर्कआउट कैसे करते हैं कमेंट से हम बत्ती क्या काटते हैं भाई बत्ती का। एक हमारा एक बहुत ब्लॉग का आइडिया था जब हम लाइक बीच में रुक गए इससे पहले से, छोड़ ना भाई ये वो बता नहीं रहा, देखते हैं अगर वो कभी सक्सेस हो पाया उसके लिए। ये देख बहन के लोड़े स्कूटी वाले रिंडी का बीच में चला रहा चूतिया, देख ले बहन चोद दोनों गाड़ी घट रही है वो बहन के लोड़े जान नहीं दे रहा चूतिया, इन कीड़े मकोड़ों को बहन का 2 मिनट को बैन कर दो सिटी वाले, सिर्फ इनको जोमेटो वालों को दो, मेरे को इतने खुंदक आती है साले राइट लेफ्ट से आके सामने लगा देता और बीच में रोक देता है एक बार, चल छोड़ एक भाई बड़ी तुम अगर अगर तुम स्कूटी चलाते हो बाइक चलाते हो तो मैं तुमसे कोई क्वेश्चन दूं, हिलाता क्यों है बहनचोद इतना स्क्रीन, अबे हाथ में दर्द हो रहा है बहनचोद, हाथ में पहन के लोड़े कितना बड़ा कर देगा व्लॉग को, मैं कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तुमसे बट बहनचोद तुम्हारी बिरादरी के लोग बहुत वो है हम गाड़ी वाले के लिए, तो भाई सोने दे तो बच्चा ले रहा है बहनचोद नीचे बच्चा, वाह आंटी भी है बच्चा ही है, चलो भाई आंटी बाद में मिलते हैं बाय। हेलो गाइस, ये कल गया था पार्टी में बहुत बकचोदी कर रही है लड़कियों के साथ जब चीज की बनी थी, अबे अपनी पार्टी में गया था और भाई बोला था कि स्पेशल गेस्ट आ सकती है, सूख गई है भाई वहाँ पे जिम जा रही है या क्या कर रही है पता ही नहीं, पूने का पानी हजम नहीं हुआ इसको, तेरह दिन बीमार मतलब इसको फिर वो होगा वायरल, हमें तो ना होता भाई वायरल अपना तो नहीं है बुखार भी जिम नहीं करा भाई तो भाई अभी आ चुकी है तो एक घंटा चौथे बजाएगा और फिर वर्कआउट थोड़ा लेट होएगा तो हम वर्कआउट की वीडियो दिखाते हैं आपको पूरे कैसे क्या करते हैं, एक घंटा वर्कआउट का इसमें जाएगा बातें करने में, है ना मेरा हो चुका है थोड़ा सा रहता है, ये तो यार 7 बजे आई है तू, अभी 7:30 भी नहीं हुए, आधे घंटे वर्कआउट हो जाता है तूने बताया नहीं सरप्राइज करा इसने, हाँ सरप्राइज करा बिल्कुल, पर ये दिल्ली में आके पहले सब पूरी दुनिया से मिल चुकी है उसके बाद आ रही है हमसे मिलने, बता दियो रिंटम दो दोस्तों से मिलेगा, दो ही दोस्त है तेरे ना और तू, हाँ तो 4 हो गए इसको परेशान करते हो, तो गाइस वर्कआउट करके आ चुके हैं निकल चुके हैं अब जा रहे हैं चिकन रोल खाने, देख रहे हो भाई शोल्डर में वैसे ही पंप दिख रहा होगा, मत बोला कर डाइट बोला कर, डाइट है भाई अपनी चिकन रोल, बस तरुण गिल का नाम वो मत उससे रिलेट मत करना, बस सच में चिकन रोल से बॉडी बनती है भाई, मतलब तुम नहीं मैं एक्सेप्ट करोगे बट भाई बॉडी कैसे बन रही है डेली चिकन रोल खा रहा हूं, दिक्कत ये है कि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा चिकन रोल, कोई भी तुम खा लोगे तो नहीं, कोई भी नहीं खाना, हम एक जगह से खाते स्पेसिफिक, हां जैसे कि एक स्पेसिफिक मोमोज वाला था एक स्पेसिफिक ये है, मोमोज वाला तो रिवील करते था ना, मोमोज वाला रिवील नहीं करा भाई वो 1000 सब्सक्राइबर पे होना था रिवील, चलो बट ओके भाई चिकन रोल तो मतलब मोमोज तो चलो ठीक है हां भाई नाम नाम के, लेकिन चिकन रोल तो लेजिट हैक है भाई, मतलब उस प्राइस पे उतना प्रोटीन इज अनरियल भाई, ये देखो इसने कल वाली ट्रिक यूज कर ली, जैसे आगे होके बैठने से बेल्ट का टू 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 नहीं बजेगा, ठीक है भाई सिस्टम है अपना तो नुई है भाई नुई करे भाई, बारिश हो गई गंदी बारिश हो गई जितना टाइम हम बारिश जिम में थे बारिश हो गई है, ह्यूमिडिटी हो गई बिल्कुल गंदी, यार देखो मार्केट जाना पड़ेगा अब, हम बोलो कहां चूक गया भाई इसको बारिश में, भाई बारिश मेरे को पसंद है ठीक है भाई अब ओके व्लॉग एंड कर रहे हैं।